सिंगरौली में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। एसडीओपी खुद रात में सड़कों पर निकले और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। सिंगरौली जिले के मोरवा एसडीओपी नीरज नामदेव कुछ अलग अंदाज में नजर आए और अपने रीडर नीरज सिंह बघेल के साथ बुलेट पर ही गश्त पर निकल पड़े। गौरतलब है कि एसडीओपी मोरवा एक टीवी चैनल में जबलपुर में रिपोर्टर भी रह चुके हैं। नीरज ने रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरे मोरवा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मोरवा, बैढ़न, विंध्या नगर, नवा नगर, शासन तथा जयंत चौकी में गश्त पर लगे कर्मचारियों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। गश्त के दौरान लोग बिना मास्क के टहलते भी मिले, जिनको एसडीओपी ने मास्क वितरित किया और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। सुबह 3:30-4 बजे प्रातःकाल डेली मेरी आदत हो गई है सुबह सुबह वॉकिंग करने का, और मैं टहलते टहलते जाता था और लगभग 100% में 99% जो भी लोग यहाँ वॉकिंग करते हैं किसी के पास मास्क नहीं रहता है, मगर आज हमारे एसडीओपी साहब ने हमें रोका और हमें मास्क दिया और इसके बारे में हमें जानकारी भी दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।